एमसी स्टैन और गोरी नागोरी ने उड़ाया सुम्बुल का मजाक, वो भी सुम्बुल के पीठ पीछे। बता दें, एमसी स्टैन, गोरी नागोरी और शिव साथ ही बैठे थे, जहां एमसी स्टैन बोलते नजर आए कि यार इस लड़की की लाइफ है, इसे जैसे जीना है वैसे जिए, जिसके साथ रहना है वैसे रहे। पर शो में ऐसा भी क्या कि इसने अपने पापा की बात नहीं मानी, इसने शो के लिए अपने पापा की बात तक को नकार दिया। तो गोरी नागोरी भी यही बोलती हैं कि हाँ ऐसी भी क्या कि अपने पिता की बात को ना मानो, पता नहीं क्या कर रही है शो में। बात करते करते एमसी स्टैन गोरी से कहते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन जब वो लड़की आके स्टेज पे नाच रही थी तो मैंने सोचा ये कौन है, तब मेरे को समझ आया कि ये सुम्बुल है, क्योंकि वो ही घर में ऐसी घूमती रहती है। उसके बाद गोरी बोलती हैं एमसी स्टैन से कि हाँ मुझे तो पहले ही समझ आ गया था कि ये सुम्बुल है, क्योंकि वो ही घर में इधर उधर कूदती फुदकती दिखाई देती है, जो कि बेकार का है, कोई कंटेंट नहीं है। वैसे इसको लेके सलमान को लोगों ने काफ़ी टारगेट किया है, लोगों ने कहा कि उनके अंदर का चाइल्डिश बचपना ही उनकी प्योरिटी है। सलमान का डांटना, उनको समझाना सब कुछ ठीक था, लेकिन सुम्बुल का इस तरीके से बचपने का मजाक उड़ाना सुम्बुल के फैंस को कतई पसंद नहीं आया। वही तो उनकी प्योरिटी है, वही उनका तरीका है। वैसे इन सब को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।